गाइस आप लोग देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा महंगा सामान है, कम से कम लाखों का सामान है और यहाँ पे फेंका गया है और कंप्यूटर वगैरह सब सामान यहाँ पे फेंक दिया गया है और कम से कम 25-30 हज़ार की अलमारी है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देख सकते हो सोफ़ा है, ये सोफ़ा वगैरह है तो देख सकते हो कैसे फेंका गया है यहाँ पे। और यहाँ सामने एसी वगैरह है जो कि सेंट्रल एसी होती है और कितना महंगा सामान है। और टीवी वगैरह देख सकते हो, ये टीवी है जो कि घर वगैरह में पहले लगती थी लेकिन अभी ये नई है और यहाँ पे लोगों ने फेंक दिया है। मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे लोग पैसे की कदर नहीं करते हैं, अगर पैसे की कदर करेंगे तो भाई ये लोग थोड़ा सोचेंगे सामान फेंकने के टाइम। और देख सकते हो अलमारी है, देख सकते हो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दूर से थोड़ा, देख सकते हो अलमारी, इसमें कपड़ा वगैरह रख सकते थे लेकिन ये लोग ने इतना गलत काम किया मैं बता नहीं सकता हूँ। और देख सकते हो आप लोग, ये थोड़ा ये भी छोटी अलमारी है, इसमें भी सामान रख सकते थे, मैं आपको दिखाता हूँ खोल के। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि भाई 50 हज़ार का सामान है, ये देख सकते हो, ये कंप्यूटर वगैरह है जो कि ऑफिस वगैरह में यूज करते हैं, ये लिनोवो का कंप्यूटर है, पीसी है। तो देख सकते हो भाई ये लोग ने ऐसा सामान फेंक दिया कि मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। और यहाँ पे सोफ़ा देख सकते हो, कुर्सी वगैरह है, तो भाई आप लोग देख सकते हो ये कुर्सी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और ये प्रिंटर है, अगर आप लोग इस पर फोटो कापी वगैरह करते हो तो देख सकते हो, अभी इसका यूज़ भी नहीं किया लेकिन मट्टी की वजह से अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पे पड़ा हुआ था तो मैंने देखा नहीं। तो अभी मैं जाऊँगा यहाँ पे बताऊँगा जो इसके थोड़ा सुपरवाइज़र वगैरह हैं, तो मैं उनको जाकर बोलूँगा कि भाई यहाँ पे सामान वगैरह है जो कि फेंक दिया गया है और आप लोग क्या करते हो, इतना महंगा सामान है। तो बहरहाल मैं एक बार जाकर ज़रूर बोलूँगा, बाकी अपना काम अपने से क्या लेने देना है। और कुर्सी देख सकते हो कितनी अच्छी कुर्सी है, हमारे इंडिया वगैरह में इतनी अच्छी कुर्सी मिलेगी लेकिन कोई फ्री में थोड़ा किसी को देगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फेंक दिया गया है। और टायर वगैरह देख सकते हो, ये टायर वगैरह है। और मैं आपको सामान दिखाना चाहता हूँ और कुर्सी देख सकते हो कितनी अच्छी कुर्सी है, ये देख सकते हो कुर्सी भाई कितनी अच्छी कुर्सी है, देख सकते हो ना कोई ख़राब है ना कुछ कमी इसमें है। लेकिन यहाँ के लोगों ने, इतने बदतमीज लोग हैं क्या बताएं हम, इन्होंने फेंक दिया है। ये भी कुर्सी नीचे वाली भी अच्छी बहुत है। तो अभी बहरहाल इसको निकालेंगे, 2-3 बंदे हैं क्योंकि अभी ऑर्डर आ चुका है निकालने का, उसको अच्छी जगह पे ले जाने का फैसला आ चुका है, इसको निकालेंगे फिर उसको रखेंगे अच्छी जगह। और कंप्यूटर वगैरह है उसको भी निकालेंगे और इस कुर्सी को भी निकालेंगे। ये कुर्सी देख सकते हो जो हिल रही है, ये बूढ़े पुराने लोगों के लिए है कुर्सी है, जो कि थोड़ा बुजुर्ग टाइप के लोग होते हैं उन लोगों के लिए कुर्सी है ये। और देख सकते हो ये ऑफिस का सामान है। तो अभी कुछ बंदे आ रहे हैं यहाँ पर निकालने के लिए और सोने के लिए सामान है, कारपेट वगैरह, यानी सॉरी ये बोलते हैं ना जो कि गद्दा वगैरह बोलते हैं हमारे इंडिया में। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दूसरा प्रिंटर है, अभी थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि देख के जाना पड़ेगा कुछ प्रॉब्लम ना हो गिरने वगैरह में। तो देख सकते हो ये प्रिंटर है, पूरा सामान अच्छा है, अभी ये लोग पागल वगैरह हम क्या बताएं, ये सब पूरा सामान फेंक दिए हैं। और ये सैनिटाइज़र के लिए मशीन है और ये ड्रिल मशीन है, हो सकता है ड्रिल मशीन अच्छी हो, बहुत ही महंगी मिलती है, कम से कम 40-50 हज़ार रुपये इंडिया का पड़ जाएगा एक ड्रिल मशीन लेने में, 100-150 की हर तरह की ड्रिल मशीन मिलती है ना, लेकिन ये महंगी वाली ड्रिल मशीन है। और देख सकते हो आप लोग कपड़ा वगैरह यहाँ पड़ा हुआ है। और ये स्टैंड है जो कि बोलते हैं ना टेबल वगैरह का ऑफिस का। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी चीज़, थोड़ा अंदर जाके देखना पड़ता ना भाई। और यहाँ पे एसी भी चल रही है जिसकी वजह से हो सकता है आपको आवाज़ आने में प्रॉब्लम हो, तो मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ आप लोग को। और मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पर एसी है एक है जो कि वो भी फेंक दिए हैं। अच्छा हाँ एसी तो एसी, हाँ हाँ वो भी देखो फेंक दिए हैं उन लोग ने। तो अभी 2-4 बंदे आएंगे उसको निकालेंगे, तो इसी तरह यहाँ पे रहता है गाइस।